हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीटू शॉप ऑली। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड, जैसे कि ठंड है कि बढ़ती जा रही है, तो उसी को ध्यान पे रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पोर्टेबल हैंडी हीटर। इस हैंडी हीटर पे कोई वायर वगैरह नहीं है, आपको सिंपली इसको सॉकेट में कनेक्ट कर लेना है और आपका जो रूम है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको टेम्परेचर सेट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है, हीट के फ्लो को भी मैनेज करने का ऑप्शन दिए हुए हैं, टाइमर्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि आप टाइमर सेट कर सकते हो कितने देर में ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं इस हैंडी हीटर की अनबॉक्सिंग, देखेंगे इसका क्वालिटी कैसा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है, और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना सजेशन भी दूंगा कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं, बिकॉज इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अब बस खाली इसका परफॉर्मेंस चेक करना है कि इसे परफॉर्म कैसे करता है। तो चलिए जल्दी से इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करने के लिए यहां पर हमें एक ओपन कर लेना है इसको, और यहां से हमारा जो हैंडी हीटर है वो बाहर आ चुका है। और क्या है अंदर, अंदर हमें यहाँ पे इसे कुछ मैनुअल्स दिए हुए हैं इसको यूज़ कैसे करना है। तो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, और हम यहाँ पे अपने हैंडी हीटर को जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा पोर्टेबल हीटर। सबसे पहले अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया हुआ है वो प्लास्टिक का है। फ्रंट के ग्रिल की बात करें तो यहाँ पे लोहे का यूज़ किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ से हीट बाहर आएगा और यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया जाएगा तो प्लास्टिक पिघल सकता है। बेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक फ़ैन भी देखने को मिलेगा ताकि जो एक्स्ट्रा हीट है वो यहाँ से कंट्रोल हो सके। और वही अगर हम ऊपर वाले सेक्शन की बात करें तो यहां पर भी आपको कुछ कंट्रोल्स दिए हुए हैं, यहां पे माइनस प्लस स्पीड टाइमर देख सकते हो। तो अगर आपको टेम्परेचर कम करना है तो यहां माइनस पे दबाना है, अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो प्लस पे। टाइमर से आप टाइमर सेट कर सकते हो और स्पीड से आप इसके स्पीड को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें कैसे यूज होगी वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और यहां पे आप राइट साइड में देख सकते हो, यहां पे आपको ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है। और वही अगर हम यहां पे बैक साइड की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आपको प्लग है जो कि आपके सॉकेट के अंदर जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके आपको इसको कैसे यूज करना है वो आपको बताता हूं, और फिर हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में हीट कैसे करता है। तो अब टाइम आता है हमारे पोर्टेबल हीटर को टेस्ट करने का। तो सबसे पहले हम इसको एक सॉकेट में इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पर जो सॉकेट है वो बिल्कुल नॉर्मल वाला है। अब हमें इसका पावर बटन ऑन करना है, और यहाँ पे राइट साइड में जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इसका ऑन ऑफ बटन दिया हुआ है, हमें यहाँ पे इसको सिंपली ऑन कर देना है। जैसे ही हमने यहाँ पे ऑन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हीटर है वो ऑन हो चुका है। आप यहाँ पे रेड कलर के फ्लेम्स देख सकते हो। और वही मैं अगर आपको ऊपर की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्लस वाला हो गया, ये माइनस वाला हो गया। तो इससे आपको अपने टेम्परेचर को एडजस्ट करना है। तो अगर आपको गर्मी ज़्यादा चाहिए, मतलब हीट बढ़ाना है, तो यहाँ पे आपको प्लस को दबाना है। जैसे ही आप प्लस को दबाते जाओगे, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा टेम्परेचर है वो बढ़ के 32 तक आ गया। तो मैक्सिमम आप यहाँ पे 32 तक का यहाँ पे टेम्परेचर को सेट कर सकते हो, ठीक है। और वही अगर आप माइनस को दबाएंगे तो यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो, जो टेम्परेचर है वो घट भी रहा है। तो जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे टेम्परेचर को माइनस प्लस कर सकते हो। यहाँ पे जो मिनिमम है वो 15 है, जो मैक्सिमम हमारा है वो यहाँ पे 32 है। तो 15 से लेके 32 तक आप यहाँ पे टेम्परेचर को सेट कर सकते हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बैठ के बड़ा ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा हीट यहाँ पे आ रहा है। और बाकी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप टाइमर का ऑप्शन देख पा रहे होगे, यहाँ पे देखोगे तो टाइमर का आपको दिख रहा होगा। टाइमर पे अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइमर जो है वो सेट हो रहा है, मतलब अगर आप चाहो तो 2 घंटे में ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। तो यहाँ पे 2 पे करके छोड़ दो, 2 घंटे बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। अगर चाहिए नहीं 3 घंटे बाद हो, 4 घंटे बाद हो, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे टाइमर भी सेट कर सकते हो, मतलब जब चाहो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए उस हिसाब से आप यहाँ पे टाइमर को सेट कर लो, ठीक है। वही यहाँ पे आपके पास स्पीड का भी ऑप्शन मिलता है, मतलब कितना ज़्यादा ये कितना फास्ट हीट ये छोड़े उस हिसाब से आप यहाँ पे इसका स्पीड भी सेट कर सकते हो। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लो LL आया, मतलब ये लो पे है। वही अगर आप HH पे करोगे तो ये डबल, मतलब ज़्यादा स्पीड पे है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका देख सकते हो जो यहाँ पे हीटिंग है वो उसकी हो रही है। अब यहाँ पे इसको थोड़ा देर मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ कि इसका जो हीट है वो कैसे कर रहा है, रूम गर्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ आगे। सो फाइनली अब बात करते हैं कि आपको इसे लेना चाहिए या नहीं। तो देखो यार, जब से मैंने इसको ऑन किया मेरे को तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, ये बड़े रूम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका रूम छोटा है या फिर जैसे मेरा ये रूम बड़ा है लेकिन मैं यहाँ पे बगल में बैठ के काम कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बिकॉज ये पावर भी बहुत ही कम कंज्यूम करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम कंज्यूम करता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल हीटर। तो अगर आप जैसे यहाँ पे मैं बैठ कर काम करूँ तो ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इससे एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी ये रूम हीटर जैसा काम करेगा, मतलब आपका रूम बड़ा है उधर आप लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा, सॉरी। लेकिन अगर आपको इसके सामने बैठ के काम करना है, या फिर अगर आप मान लो कहीं से बाहर है, बाहर से आए हो, अगर आपको तुरंत से अपने हाथ गर्म करने हैं या फिर पैर गर्म करने हैं, तो इन दैट केस ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो ट्रस्ट मी, मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो बाइंग लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद सकते हो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।